रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम खुबानी की चटनी बनाएंगे। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें मैंने आधा पाव लिया खुबानी, रात भर इसको सोख किया है, और ये इसमें जो पानी है इसको अच्छी तरह से धो के तो साफ पानी में इसको डाल के मैंने भिगोया हुआ था। आप देखें ये इसमें कितनी अच्छी ये हो गई है। इसके साथ मैंने आधा कप पानी का है और आधे से कम जो है वो चीनी का है, साथ थोड़ी सी जो है काली मिर्च है, सुर्ख मिर्च जो है एक चुटकी है, सी सॉल्ट जो है वो भी दो चुटकी है, और ज़ीरा पाउडर जो है वो एक चुटकी है। साथ मैंने ऑरेंज कलर लिया है, उसकी चंद बूंदे जाएंगी, और साथ है इलायची का फ्लेवर है, इसके भी चंद बूंदी इसके अंदर जाएंगी। तो सबसे पहले जो है ये खुबानी इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये देखें ये इस शक्ल की आ जाएगी। अब इसको मैं पकाना शुरू करूँगी। ये देखें इसमें जो पानी मैंने आपको दिखाया था वो इसमें डाल लिया है, क्योंकि वो जो ग्राइंडर का जग था उसमें थोड़ी सी ये लगी हुई थी, तो उसमें थोड़ा सा पानी वही यूज़ करके तो मैंने इसमें डाला है। ये देखें इसका कलर कितना प्यारा है। लाइट कलर में आपने खुबानी लेनी है, ज़्यादा पुरानी खुबानी नहीं लेनी। गुठलियाँ इसकी निकली होती हैं, ये ना हो कि गुठलियों वाली आप लें। अगर गुठलियों वाली अवेलेबल है तो उसकी फिर रात को जब आप सोक करते हैं तो सुबह को उसकी जो गुठलियाँ वो निकाल लें। ये देखिए अब इसको जब ये एक या दो उबाल आएंगे इसके बाद हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये देखें ये पकना शुरू हो गई है। अब इसमें ये सारे जो स्पाइसेस हैं वो डाल देंगे। साथ इसके चीनी जाएगी। बड़ी मज़ेदार ये चाट के साथ, चना चाट हो या फ्रूट चाट हो, उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। वैसे भी आप आलू की टिक्कियाँ बना रही हैं, शामियाँ बना रही हैं, कीमे की शामियाँ हैं या चिकन की शामियाँ हैं, कोई भी है यानी हो, आप उसमें इसके साथ आप यूज़ करें। जैसे आप केचप यूज़ करती हैं इसी तरह इसको इस्तेमाल करें, ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है। अब थोड़ा सा मैं इसमें ऑरेंज कलर जो है वो डालूंगी, जिसे जर्दा रंग कहते हैं। चंद बूंदे जाएंगी इसकी। सिर्फ इसका फ्लेवर अच्छा करने के लिए। ये देखें और एक दो बूंदे इसमें मैं रेड कलर की डालूंगी। ये देखिए मैं ज़्यादा नहीं डालनी। अब देखिए इसका कलर, दोनों कलर जो हैं वो मिक्स किए हैं। अब देखिए कितना अच्छा और मज़े का कलर हो गया है। आप भी इसको इसी तरह बनाएं, टेस्ट में बहुत अच्छी बनती है ये। अभी इसको मैंने गाढ़ा करना है, 5 से 10 मिनट इसको पकाना है। इसके साथ मैं इलायची फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा डालूंगी, उसकी भी चंद बूंदे बीच में जाएंगी। आप चाहें तो ना डालें, चाहे तो आप यूज़ कर लें इसे। इलायची फ्लेवर की बजाय आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इलायची का, वो भी बहुत मज़ेदार लगता है इसमें। ये 5 से 10 मिनट इसको लगेंगे, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखें इसे 5 से 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। ये देखें कितनी ये हो गई है गाढ़ी। अब इसमें मैं विनीगर डालूंगी। विनीगर जो है ये क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने देता, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर 2-4 दिन के लिए आपने इस चटनी को रखना है गर्मियों में तो फिर तो बेशक ना करें, अदरवाइज़ इसका इस्तेमाल करें। मैंने इसको पहले ग्राइंड कर लिया था खुबानी को, आप चाहें तो ये जब पक जाए तब इसको ग्राइंड कर लें और छान लें इसको। हम इसी तरह इसके ज़रा ये बीच में होते हैं ये चीज़ इस तरह से, तो हमें ये चीज़ पसंद है तो इसलिए हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। ये रेडी हो चुकी है, अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारी रेडी हो चुकी है, इसकी शक्ल देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अभी ये थोड़ी सी इसमें ये देखें इस तरह के हैं ना, ये थिक आपको लग रही है लेकिन जब ठंडी होनी है ये बहुत अच्छी और थिक हो जानी है और बड़ी मज़े की लगती है। ज़रूर बनाएं,
दुआओं में मुझे याद रखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।